छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर इन दिनों प्रदेश भर के छात्र संगठन लामबद्ध हो रहे हैं। इस कड़ी में सोमवार को नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर व टायर जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रतिनिधियों ने बताया कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। छात्र संघ चुनाव होने से छात्र संघ के पदाधिकारी विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने आम छात्रों की मांगों को आसानी से रखकर उसे पूरा करवाते हैं। एनएसयूआई प्रतिनिधियों का कहना है, जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं होती तो एनएसयूआई पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन करेगी। प्रदर्शन के दौरान पूर्व प्रदेश महासचिव अंकित गहलोत, बबलू सोलंकी, अशोक भाटी, जितेंद्र देवड़ा, अक्षय मेघवाल, छात्र नेता महेंद्र चौधरी, ज्ञानोदया चौधरी, अभिषेक मेहता, जितेंद्र कडेला, एस परिहार, निखिल सांखला आदि लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय छात्र संगठन ने जयनारायण व्यास के मुख्य द्वार पर टायर जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन किया है। इससे पूर्व भी हमने रातराडा पूरी टंकी की तरफ चढ़कर राज्य सरकार को विरोध प्रदर्शन के तौर पर छात्र संघ चुनाव बहाल कराने पर हमने प्रदर्शन किया था। उस समय हमें पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, तो भी हमने पुरजोत हमारी मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार के सामने मांग रखी। आज हमने ये प्रदर्शन किया है। अगर बहुत ही चंद दिनों के अंदर राज्य सरकार एवं शिक्षा मंत्री अगर ये बयान नहीं देते कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कलेक्टर गेट के बाद बहुत ही उग्र आंदोलन और कलेक्टर का घेराव करेगा। अंकित गहलोत, छात्र संघ महासचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर। मुख्य द्वार पर टायर जलाकर सरकार को चेताया है कि छात्र संघ के चुनाव प्रदेश की राजनीति के लिए और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के लिए और छात्रों के हितों के की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है और सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव को बहाल करना चाहिए। अगर नहीं करेगी तो फिर एनएसयू प्रदेश के तमाम जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक सड़कों पर आंदोलित रहेगी और एक समय ऐसा आ जाएगा जिसमें बीजेपी के पदाधिकारियों को, मंत्रियों को, सरकार में बैठे तमाम पदाधिकारियों को किसी भी क्षेत्र में जाने का अवसर नहीं मिलेगा। हर जगह, हर मोड़ पर युवा उनके विरोध में खड़ा रहेगा। मैं ज्ञानोदय चौधरी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय।